अच्छा लग रहा है इंदौर बना दिया एमएलए साहब ने? बढ़िया लग रहा है, बाकी यहाँ पे किश्तियों की कमी है, किश्तियाँ नहीं हमारे पास। निकाय मंत्री से बोल दो भैया किश्तियाँ भी भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ेगा सर। ब्लू है पानी 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 है ना, मैंने मेरा व्हीकल निकाला कैसे? कमल गुप्ता जी से पूछो कैसे निकालूंगा मैं पानी। तो भाई यहाँ देख के पूछो, सिर्फ ना वोटा वास्ते है, कोई भी पॉलिटिक्स बात है, सब अपने अपना काम का घाट काट रहे हैं, कोई काम का नहीं है किसी से। तो यार क्या 2024 में वो तो है भाई, सब खतरे है, अपन ही वोट देवा, नोटा वोट दबावा, किसी ने वोट कौन देवा? अच्छा, किसी को नहीं देंगे, काम ही कौन करे, हैंडीकैप आदमी में इंदौर में इसार में है, इंदौर नहीं है, ये इंदौर है, ढलान भी अंदर ली साइड है और कोई सीवर कनेक्शन नहीं है, पानी साथी है, पानी भर जाता है, जब तक ऊपर से सूखेगा तो सूखेगा सूरज की किरणों से, निर्देश का कोई समाधान नहीं है, टेंडर हो चुका है और बिरयानी कब ये फूट के उठेगा, उन्होंने भी नाट दिया, निर्देश का कोई समाधान नहीं है। बिहार के रेलवे स्टेशन पर अपनी बाइक पार्किंग में लगाने आते हैं तो क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखा भाई। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं गोवा की तर्ज पर ये हिसार की जो पार्किंग है, रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है वो गोवा की तर्ज पर बन चुकी है, पानी से सराबोर है। आप देख सकते हैं एक शख्स आ रहा है अपनी बाइक लेकर और पानी के अंदर से, जी हाँ पानी के अंदर से, यहाँ पर पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजाना लोग हजारों लोग यहाँ से परेशान होते हैं। जी भाई जी, कब से पानी भर रहा है यहाँ पर? ये कल खड़ा करके गए हैं, आज से भरे हैं। तो कितनी परेशानी होती है? परेशानियाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ, बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो अगर शासन प्रशासन में कोई देख रहा हो तो उससे कुछ अपील कर दो कि भैया ये पानी क्यों होता है, इसको ये करवाओ भाई सारी सफाई, ये बहुत ज्यादा पब्लिक दुखी हो रही है। सो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो ठेकेदार जो मौजूद है इनसे भी जानते हैं। राम राम जी। राम राम, राम जी, राम राम। कहाँ आयो, गोवा में आयो क्या घूमने? गोवा में गोबर का काम हो रहा है भाई, उरे ब्लू है पानी 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 है ना, मैंने मेरा व्हीकल निकाला कैसे निकालूंगा इसे पानी में, बड़ बड़ बताओ, मैं हैंडीकैप आदमी में रह गया। यहाँ पे ये कमल गुप्ता जी से पूछो कैसे निकालूंगा मैं पानी। तो भाई यहाँ देख के पूछो, सिर्फ ना वोटा वास्ते है, कोई भी पॉलिटिक्स बात है, सब अपने अपना काम का घाट काट रहे हैं, कोई काम का नहीं है किसी से किसी के लिए। तो ये लट तैयार है क्या 2024 में? वो तो है भाई, सब खतरे है, अपन ही वोट देवा, नोटा वोट दबावा, किसी ने वोट कौन देवा? अच्छा, किसी को नहीं देंगे, काम ही कौन करे, हैंडीकैप आदमी में ना कोई सर्विस रोजगार है, ना कुछ और बात है, ना ये देखिए कोई सुविधा नहीं है। दिखा भाई पानी दिखा दे यार, हम तो फोकस रखते थे। ये देखो दोस्तों, लगातार यहाँ पर है ना हजारों लोग जो आते हैं यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी करके जाते हैं और देख सकते हैं आप किस प्रकार से पानी की व्यवस्था जो है, पानी के निकलने की निकासी की व्यवस्था नहीं है और लोग रोजाना ही ऐसे परेशान होते हैं। भाई साहब कैसा लग रहा है इंदौर में घूम के? बिल्कुल मस्त लग रहा है, मस्त एक नंबर। इंदौर में आए हो? इंदौर में जी, नहीं हिसार से। हिसार में? हिसार में है आप? इंदौर नहीं है? ये इंदौर है। इंदौर है? हाँ जी। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हो आप इंदौर की तस्वीरें, यहाँ पर हमारे साथ ठेकेदार भी मौजूद है, इस पार्किंग के जो ठेकेदार है वो भी हमारे साथ इन समय मौजूद है। क्या नाम है जी अपना? भगवान दास नाम है जी। भगवान दास जी, इतनी जो क्या क्या सुविधा दे रहे पहले तो बताओ। सुविधा नहीं है, इसका ढलान भी अंदरली साइड है और कोई सीवर कनेक्शन नहीं है, पानी साथी है, पानी भर जाता है, जब तक ऊपर से सूखेगा तो सूखेगा सूरज की किरणों से, निर्देश का कोई समाधान नहीं है। स्टेशन मास्टर को बुला के कहा था इसका समाधान, वो बोले इसका टेंडर हो चुका है और बिरयानी कब ये फूट के उठेगा, उन्होंने भी नाट दिया, इसका कोई समाधान नहीं है स्टेशन मास्टर ने। तो फिलहाल देख सकते हो आप ये रेलवे की जो पार्किंग है उसके जो स्टेशन मास्टर है उनके द्वारा भी साफ तौर पर कहा गया है कि इसकी निकासी का अभी कोई प्रबंध नहीं, अब नया ठेकेदार यहाँ पर आएगा तो उसके बाद ही जो है इसकी शायद व्यवस्था की जाएगी। और भी यहाँ पर लोग जो मौजूद है वो तो जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई जी, कैसे हो? बढ़िया भाई। इंदौर में हो ना? इंदौर में? इंदौर में ही है। कैसा लग रहा है इंदौर बना दिया एमएलए साहब ने? बढ़िया लग रहा है, बाकी यहाँ पे किश्तियों की कमी है, किश्तियाँ नहीं हमारे पास। किश्तियाँ दिखा भाई। हाँ जी बताओ। किश्तियाँ नहीं है, सिर्फ बाइक लगी हुई है, किश्तियाँ हो तो एंजॉय कर लेंगे। शहरी निकाय मंत्री से बोल दो भैया किश्तियाँ भी भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ेगा सर। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये हिसार वासी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि भैया ये इंदौर बन चुका है और यहाँ पर किश्तियों की कमी है, यहाँ पर किश्तियों की कमी है। ये देखो दोस्तों, ये ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और पार्किंग बाइक पार्किंग में लगा कर जाते हैं और किस प्रकार से उनको किस बरसात के पानी का जो है सामना करना पड़ रहा है, ये
फिलहाल दोस्तों ये आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे थे वो हरियाणा के हिसार के रेलवे स्टेशन से देख रहे थे। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहना पर लेता हूं इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा दूसरे किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आरएसएन से जुड़ने के लिए धन्यवाद।